दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SSB एडमिट कार्ड 2018-19 के बारे में, जो कि अनाउंस हो चुका है। तो चलिए आपको बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम सशस्त्र सीमा बल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSB बोलते हैं। कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिट कार्ड है ये। नेम ऑफ पोस्ट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कॉन्स्टेबल, जिनका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 181 निकाली गई थी। सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट होगा। स्टेटस ऑफ एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि फुल सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी है। जो आपका सिलेक्शन है वो फिजिकल टेस्ट, PET, PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है apply.ssb.com। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट, PET, PST एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड काइंडली डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड भरने के बाद आपको एक कैप्चा भरना है और कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके तुरंत बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भर देनी है और यहाँ पर पासवर्ड भर देना है और लास्टली आपको अपना कैप्चा भर देना है, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है। ये सबके टाइम ये कैप्चा अलग अलग आता है, तो आप ये मत समझिएगा कि हमारे जो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उसमें कैप्चा ये वाला नहीं है। तो आपको ये करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड भूल गए हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूले हो तो आपको फॉरगोट पासवर्ड पर क्लिक करना है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूले हो तो आपको फॉरगोट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद, जैसे कि मान लो आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, तो आपको फॉरगोट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी भर देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो कि आपने फॉर्म भरते समय यूज की थी, और यहाँ पर ये कैप्चा भर देना है और सबमिट कर देना है। ये करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक खास बात और बता दूँ, यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको इस एग्जाम से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है SSB से, यानी कि सशस्त्र सीमा बल से, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन कॉन्टैक्ट करने का समय 9 AM से 6 PM है, यानी कि आपको इसी समय के बीच कॉल करनी होगी। अगर आपने इस समय के बीच कॉल नहीं की तो आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा वो मिलती रहेगी।